किचन में क्यों गई? किसने कहा? मामा ने। मामा ने? मैं बात करूंगा मामा से। साहिरा ने पहले दिन ही किचन संभाल लिया। अरे वाह, आते ही किचन संभाल लिया तो बहुत अच्छी बात है। आपको नहीं पता, ये जो लड़कियां पहले ही दिन आके किचन पे कब्जा कर लेती है ना, ये बहुत मीसनी होती है। ऐसे चांस बार बार थोड़ी आते हैं। तुम्हें पता है, वलीद तो डर ही गए थे। अपनी इज्जत और उनकी ब्रांड की बदनामी जो हो जाती, इसलिए उन्होंने फौरन हाँ कर दी। मगर मामा, वलीमे के बगैर तो शादी अधूरी होती है ना, और मैं अम्मी और तहमीना को क्या जवाब दूंगी? मुझे यकीन है तुम्हारी अम्मी कोई सवाल नहीं पूछेंगी, तुम फिक्र ना करो। मगर मामा, बस अब और कोई सवाल नहीं। फिलहाल वलीमे का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। प्लीज अपने मुंह तो ऑफ मत। आपको पता है हमारी शादी किन हालात में हुई थी, ऊपर से मामा वलीमा भी नहीं करने दे रहे, दुख तो होगा ना। मैं मामा को समझाऊंगा, मामा मान जाएंगे, हमारा वलीमा होगा, जरूर होगा। अच्छा रिलैक्स, मूड ठीक है। सायरा आ जाओ, आई एम गेटिंग लेट। आ गई आ गई आ गई। वलीद, आप बाबा से बात करें ना, वलीमे के बगैर शादी का खाक मजा है। तुम फिक्र ना करो, मैं जरूर बात करूंगा, वैसे ही होगा जैसे तुम चाहो। ठीक है, अच्छा जल्दी आ जाइएगा, बाहर चलेंगे। Honestly, मैं तो कहीं जाना ही नहीं चाहता, दिल चाहता है कि बस तुम्हारे पास रहो, तुम्हें देखता रहो। तो फिर एक काम करें ना, 10-15 दिन की छुट्टी ही ले लें। मैंने खबरों में देखा था कि मरी में बर्फबारी हो रही है। मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं बर्फबारी देखूँ, आज तक नहीं देखी। बताए, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। एक्चुअली नया सीजन स्टार्ट हुआ है ना, तो आजकल डिजाइनर्स के साथ मीटिंग्स चल रही हैं। एक लास्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो हो जाए फिर चलेंगे। एंड लिसन, तुम्हें घर का कोई काम करने की जरूरत नहीं है, घर में काम करने के लिए लोग हैं। जो हुक्म मेरे सरकार। तुम्हें देखता हूँ तो यूँ लगता है जैसे मैं इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी हसीन हो गई। वलीद, मुझे आपका यूँ तारीफ करना बहुत पसंद है। ऐसे जैसे मुझमें जीने की एक उमंग पैदा हो जाती है। एक बात कहनी थी आपसे, मुझे सोने के कंगन भी बहुत पसंद है। और मुझे आप, इतनी छोटी सी ख्वाहिश, कंगन भी आ जाएंगे। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल जी। ठीक है, पता। तुमने शादी के लिए कहा, हमने हाँ कर दी। अब वलीमे का मतलब है कि सारे लोगों को इकट्ठा करना। तो मामा, इसमें हर्जी क्या है? हमारी खुशी हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए। मामा, आप सब लोगों को इकट्ठा करने में इतना झिझक क्यों रहेंगे? माँ जो कह रही है उसे गनीमत समझ लो, वजह मत पूछो यार। वजह मैं जानता हूँ बाबा, क्लास और स्टेटस। सायरा की अम्मी हमारी तरह बड़े बड़े ब्रांड नहीं अफोर्ड कर सकती। उसका एक भाई है जो पढ़ा लिखा है लेकिन अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकता। अगर ये बात होती तो मैं निकाह के वक्त ही तुम्हें वहां से उठाकर ले आती। मगर मुझे सकीना की बेबसी और हशमत की मजबूरी का ख्याल आ गया। देखो, बात को समझा करो, कुरेदा मत करो बेटा। नहीं बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा मामा जो रीजंस दे रही हैं। आई मीन,
मैं जानता हूँ कि यही वजह है, क्लास और स्टेटस। हाँ यही वजह है। जब जानते हो तो फिर क्यों कह रहे हो? और वलीमे के बगैर भी तुम खुश रह सकते हो? मामा आप कब तक सायरा को यूं अपनी क्लास और स्टेटस की रुसवाई समझकर घर में छुपा के रखेंगी, कब तक? हम सायरा को अपनी रुसवाई नहीं समझते, उसे बहू समझते हैं, मगर हमें कुछ सोचने का वक्त चाहिए। वैसे माशाल्लाह आपका बेटा रन मुरीदी में तो मेरे से भी आगे निकल गया। सुरैया, मामा वो अभी तक काम पे ही नहीं आई। अरे सायरा तुम, ये तुम्हारे करने के काम नहीं है, तुम अभी नई नवेली दुल्हन हो, जाओ जाके अपना हुलिया दुरुस्त करो। बस मैं ये काम निपटा लूं फिर मैं जाती हूँ। अगर कोई मेहमान आ गया तो मैं उसे क्या कहूँगी कि ये कौन है? मामा वैसे आपको पता है नौकर नौकर ही होता है, मैं मालिक हूँ ना, नौकर काम करता है काम टालने के लिए, मैं काम करती हूँ घर संवारने के लिए। अब देखें इन अलमारियों में से हजारों की तादाद में लाल बैग निकले हैं। ये कैसे हो सकता है? अरे मैं तो खुद अपनी निगरानी में सारी कैबिनेट साफ करवाती हूँ। कहा ना नौकर काम टालता है, बाहर डस्टबिन में जाके देखें, हजारों मार के फेंके मैंने लाल बैग। वो मैं नहीं देखती भाई, तुम्हारा ही हौसला है। अच्छा जाओ, कह रही हूँ ना जाके हुलिया ठीक करो। वैसे मामा आपको चाहिए निकम्मे नौकरों की छुट्टी कर दें आप, फिर मैं घर के काम खुद करूंगी, और आपके सुबह उठने से पहले ऐसे चमक रहा होगा घर जैसे चांद। अच्छा देखते हैं। लंच में क्या बनेगा? आज आलू गोश्त बना। आलू गोश्त तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक काम करते हैं बिरयानी बनवा लेते हैं, सब साथ मिलके खाएंगे। आलू गोश्त बनेगा। आलू गोश्त अभी जाकर कश्मीरन की खबर लेती हूँ, अपने बेटे को संभाल कर रखे। हमीदा क्या फायदा, जब कसूर अपना हो तो हम किसी को कैसे इल्जाम दे सकते हैं? ठीक कह रही हो तुम, मैं तो सायरा के बारे में ऐसे सोच भी नहीं सकती थी। जब तुम्हारी इज्जत तुम्हारी तरबियत सब पैरों तले रोंती चली रही है। मुझे लगता है मैं ही मुजरिम हूँ, मैं वो वसाइल ही नहीं पैदा कर सकी जिससे मैं अपने बच्चों की खुशियां और उनके शौक पूरे कर सकती। कोई शर्म हया होती है, कोई लिहाज होता है, सहरा इतनी माधवप्रस्त निकलेगी, तौबा। बस हमीदा सिर्फ इतनी दुआ करो कि वो अपने ससुराल में जाके ना खुलूस और ईमानदारी के साथ बाकी की जिंदगी गुजार ले। और बात सुनो, उसको यहाँ बुलाने की दोबारा जरूरत नहीं है, चाहे तुम फोन पे बात करो या उधर जाकर उसको मिल लिया करो। और ये घर बदलने वाली क्या बात है, ये वही महल है ना जिसने इकबाल भाई के बाद तुम्हारी आबरू और इज्जत की हिफाजत करके रखी हुई थी, तो फिर नए घर में जाके कहाँ रहोगी, कैसे रहोगी? ये लोग सब कुछ भूल जाते हैं, बस थोड़ा वक्त चाहिए। और रही बात उस लड़के सलीम की, उसको तो मैं अच्छी तरह से समझा दूंगी, परेशान मत हुआ करो। बहरहाल मैं तुमसे ये बात करने आई थी कि हम हशमत और तमीना की शादी कर लेते हैं, क्या ख्याल, अगले महीने की 24 तारीख ठीक रहेगी? हमीदा इतनी जल्दी तो मैं ये सब तैयारियां कर भी नहीं सकती। अरे भाई हशमत माशाल्लाह इतनी अच्छी नौकरी पे लगा हुआ है, और मैंने भी अपनी बेटी का सारा जहेज बना के रखा है, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये ब्लड प्रेशर और शुगर मेरी जान छोड़ दे, मुझे कुछ हो गया तो तहमीना का क्या होगा? अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो, कैसी बातें कर रही हो, तुम ही तो मेरा सहारा हो। अच्छा जैसे तुम्हारी खुशी, मैं अभी आई।
नहीं, मैं नहीं जाती अब बिल्कुल भी, ये जो दिन में पार्टीज, लेडीज़ की पार्टीज होती हैं ना, बिल्कुल भी मैं नहीं जाती। असल में अब अकबर घर होते हैं ना, हाँ माशाल्लाह दोनों बेटों ने बिजनेस संभाल लिया है, अब अकबर को जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ हाँ, नहीं नहीं वो तो अपने बिजी रहते हैं घर में, पढ़ते किताबें पढ़ते हैं और अपने रिलैक्स करते हैं, बहुत काम। साहिरा तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं सब कमरों की सफाई कर चुकी थी तो सोचा आपके कमरे को भी हाथ लगा दो। वैसे बहुत साफ रखा हुआ है आपने कमरा, पर अब से आपके कमरे की सफाई मैं ही करूंगी। अरे नहीं नहीं, इस कमरे में तुम्हारे बाबा भी रहते हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा, मुझ पे नाराज होंगे वो। वो उनकी फिक्र आप मत करें, मैं मना लूंगी उनसे। अरे नहीं, मैं जानती हूँ ना अकबर को अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, तुम रहने दो। और मैंने तुमसे कहा था कि जाकर अपना हुलिया दुरुस्त करो, तुम उसी तरह घूम रही हो, जाओ जाके चेंज वेंज करो, कोई आ गया तो क्या कहेगा? जी जैसा आप बेहतर समझें। ये डस्टर यहीं छोड़कर जाओ, ये मेरी सफाई का है। जी शादी के बाद तो आप भूल ही गए। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे हैं अकबर भाई? बाबा बिल्कुल ठीक है। अच्छा वो आपने जो पेपर्स कहे थे वो रेडी होकर आ गए हैं? ग्रेट, तो आप इन तीनों पेपर्स पर साइन कर दें। जी जरूर। एनी आइडिया कब तक ट्रांसफर हो जाएंगे? बस एक दो दिन तो लगेंगे, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। ओके। लगता है आप अपनी वाइफ से बहुत मोहब्बत करते हैं जो इतनी कीमती प्रॉपर्टी उनके नाम कर रहे हैं। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी उनके नाम कर दी। दिस इज जस्ट प्रॉपर्टी। एनीवे थैंक यू सो मच। गुड लक। थैंक यू। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये अकबर भाई से बात करवा दीजिएगा। जी जी मैं बात करवाती हूँ। अकबर वकील साहब बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं। आज हमारी याद आपको कैसे आ गई? जी अच्छा वो वलीद आए थे मेरे पास। जी नहीं, ये मेरे इल्म में नहीं है। खैर आप सारी प्रोसीडिंग्स रोकते हैं, मैं कल आपके ऑफिस चक्कर लगाता हूँ और फिर सारा मामला तय करते हैं। जी बेहतर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ अकबर? वलीद आ जाए तो बताता हूँ।
कुछ तो बताइए। वलीद आ जाए तो बताओ। सुरैया, मैंने तुम्हें कहा था ना खाना मैं बनाऊंगी। जी बीबी जी, कहा तो था, मगर मैं तो वही करूंगी ना जो बड़ी बेगम साहिबा कहेंगी। हाँ, घर की मालकिन जो है, घर की बड़ी जो है। क्या बना रही हो? कोफ्ते। कोफ्ते, गुड गुड। उधर से प्लेट पकड़ा। जी। ये ली बीबी जी। अच्छा, तुम्हें पता है कि मेरी प्यारी सास घर के सारे नौकरों की छुट्टी करने वाली है। मैं तो कहती हूँ तुम कोई और घर देख लो। क्या आप सच कह रही हैं? हाँ, सुना तो यही है कि सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर डाली जा रही है। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। आप दो नौकरानियों के काम अकेले कैसे करेंगी? करना तो होगा। बहुत मतलब परस्त हैं बेगम साहिबा, शुरू से यही करती आ रही हैं। कभी किसी मुलाजमा पे चोरी का इल्जाम लगा देती हैं और कभी खाना खराब होने का बहाना बनाकर निकाल देती हैं। पता नहीं मुझ नौकरानी को कब निकालती हैं घर से। अल्लाह ना करे, मेरी सास भी बहुत जालिम थी, अगर मुझे निकाल दिया तो क्या होगा? तुम टेंशन मत लो, मेरा बहुत अमीर घरानों में उठना बैठना है। मैं तुम्हें किसी के घर लगवा दूंगी। एक सेकंड, ये कुछ पैसे हैं, ये रखो। शुक्रिया। और मैं तुम्हें माला माल रखूंगी, बस जैसा कहूं वैसा करती रहना। जी सायरा बीबी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ी थकन हो गई है। क्यों? इतना बड़ा घर है माशाल्लाह, तो घर के काम करते करते थकन तो हो ही जाएगी ना। मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुमने फिर खुद को घर के कामों में उलझा लिया। हाँ, आपने मना तो किया था, मगर जो बहू घर के कामों में दिलचस्पी ना ले उसको बहू कौन मानता है। तुम्हें मामा ने कोई काम करने को कहा? वलीद, नहीं नहीं, आपको मेरी कसम, आप मामा से इस बारे में कोई जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है? सारा प्लीज, इन छोटी छोटी बातों पे अपनी कसम मत दिया करो। वलीद, आप कितने अच्छे हैं ना। तो मेरी जिंदगी और अब जिंदगी का मकसद। अच्छा सुनो, तैयार रहना, मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ, आपके लिए एक सरप्राइज है। जी ठीक है, ध्यान से आइएगा। ओके, खुदा हाफिज। हाजरा, तुम्हें अपनी पसंद की बहू मिली या नहीं अभी तक? नहीं, मैंने ये जिम्मेदारी अपने बेटों को सौंप दिया, वो जिसे चाहे ब्याह के ले आए। व्हाट, क्या कह रही हो? ये लड़के तो पसंद करते हुए सिर्फ सूरत देखते हैं, फैमिली बैकग्राउंड और स्टेटस का कब ख्याल रखते हैं? अरे सकीना रुको, कहाँ जा रही हो? जी वो मैं ये किचन में रख के चलती हूँ। आओ बैठो। बैठो।
अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम सलाम। सकीना, आई एम सो सॉरी, आज ड्राइवर अवेलेबल नहीं था तो तुम्हें मैं तकलीफ दे रही हूँ। जी कोई बात नहीं, आओ ना बैठो तो सही। जी सकीना, तुमने अपनी बेटी के रिश्ते की कहीं बात की? नहीं नहीं तो। हाजरा, सकीना की बेटी बहुत प्यारी है, बहुत हसीन, अल्लाह उसकी किस्मत अच्छी करे। आमीन। सकीना तुम बैठो, मैं तुम्हारा बिल क्लियर कर देती हूँ। जी मैं अभी आती हूँ। सकीना, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मगर बस अब आप ये काम खत्म कर दें। जी खत्म कर दूंगी, मैं माफी चाहती हूँ बेगम साहिबा, मेरी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा। क्या करे सकीना, स्टेटस और मेयार का भी ख्याल करना पड़ता है। वैसे आखिर ये सायरा चाहती क्या है, मेरी तो अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेगम साहिबा, आप जिस तरह चाहें सायरा को अपने रंग में रंगे, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। अव्वल तो ये शादी होनी ही नहीं चाहिए थी, भला जमीन और आसमान भी कभी मिले? बस वो तो वलीद साहिरा के हुस्न से मार खा गया, और मैं अपनी इज्जत की वजह से खामोश रही, वरना मैं तो चाहती थी कि साहिरा की शादी अपने जैसे लोगों में करूं। शायद शायद वो आ रही हैं। आलिया जी, सकीना तुम्हारा बिल। जी शुक्रिया, मैं अब चलती हूँ। ये किचन में रख। जी हाजरा, क्या सोच रही हो, परेशान क्यों लग रही हो? नहीं कोई बात नहीं। Can you please close your eyes? Please. आंखें बंद करो ना, जब तक मैं ना कहूं आंखें नहीं खोलनी। दूसरा हूं, It's really tough. बहुत मुश्किल है। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, बहुत कीमती भी होंगे ना? तुम्हारी कलाई पे सच के अनमोल। थैंक यू वलीद, मैंने तुमसे कहा था ना कि खुद को घर के कामों से दूर रखना। मैं मामा से भी कहूंगा कि वो तुम्हें घर का कोई काम नहीं कहेंगे। पूछ लो सायरा से, कब मैंने इसे घर के कामों में लगाया है, कब मैंने इसे कहा है किचन संभालने को? क्यों सायरा? जी मैं क्या कहूँ। तो ठीक है मामा, आज के बाद सायरा कभी किचन में नहीं आएगी। मामा ये देखें कंगन कैसे हैं, वलीद ने मेरे लिए बनवाए हैं। हाँ अच्छे हैं। वलीद तुम्हें बाबा बुला रहे हैं। जी मैं आता हूँ। आपने देखा वलीद, उन्होंने सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया, और कंगन भी कैसे सरसरी तरीके से देखे। मैं ये उतार रही हूँ, वापस करते हैं। इन्हें कभी अपने हाथों से उतारना नहीं। मैं देख लूँगा, कुछ नहीं, मैं बाबा की बात सुनकर। Thank you.
जी बाबा, आपने बुलाया मुझे? मेरे से पूछे बगैर तुमने हमारी प्रॉपर्टी अपनी बेगम के नाम कैसे की? बाबा, सायरा की छोटी छोटी ख्वाहिशात मैं नहीं पूरी करूंगा तो कौन करेगा? जरूर करो उसकी ख्वाहिशें पूरी, लेकिन उसके लिए कुछ और इंतजाम करो, मेरी प्रॉपर्टी नहीं। देखो वलीद, जो कुछ भी हमारा है ना, तुम दोनों भाइयों का ही है। मगर अभी एक हफ्ता ही हुआ है शादी हुए, कुछ दिन तो गुजर जाने दो, एक आध बच्चा हो जाए, फिर उसके बाद तुम्हारा जो दिल चाहे सायरा के नाम कर देना, हमें कोई एतराज नहीं होगा। तुम अभी अपने वकील को फोन कर रहे हो और ये ट्रांसफर कैंसिल करा रहे हो? लेकिन बाबा, जो मैं कह रहा हूं वही होगा। जी सोच भी नहीं सकती थी कि वलीद इतना बदल जाएगा। और आप भी कोई भी मैटर सायरा से डिस्कस नहीं करेंगे? हाँ, आप फिक्र ना करें, मैं उसे कोई जिक्र नहीं करूंगी। मगर मुझे परेशानी है कि वलीद बहुत सीधा है और सायरा। सायरा क्या है ये समझने की हम कोशिश करेंगे। बहुत तेज है। गलती मेरी है, मुझे अपनी औकात और हैसियत देख के आपसे फरमाइश करनी चाहिए थी। ऐसे मत कहो, तुम मेरी जिंदगी हो सायरा, और मैं तुम पे अपना सब कुछ निछावर कर दूंगा। नहीं वलीद, मेरी इतनी हैसियत कब थी? अम्मी के घर तो मुझे एक ढंग का जोड़ा भी नसीब नहीं होता था, तो मुझे अपने ससुराल से भी ऐसी तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अपने घर वालों को यूँ इल्ज़ाम मत दो, उन्होंने मुझ पर यकीन करके अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में सौंपा। मेरे होते हुए तुम्हें तुम्हारा हक जरूर मिलेगा। नहीं वलीद, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके मामा बाबा परेशान हों। मैं आइंदा आपसे किसी भी चीज़ की फरमाइश नहीं करूँगी। आप मेरे लिए कांच की भी चूड़ियाँ ले आएँ तो उतनी कीमती होंगी जितनी ये हैं। ये आप वापस करते। ये तुम्हारे और हमेशा तुम्हारे। लेकिन मैं नहीं चाहती कि इन चीजों की वजह से आपके मामा बाबा नाराज हों। तुम इस बात की टेंशन ना लो, मेरे लिए सबसे बढ़कर तुम्हारी खुशी है, सिर्फ तुम्हारी खुशी। तुम भूख लग रही है? भूख लग रही है ना, चलो खाना खाते। मैं आती हूँ। अरे वाह भाई वाह, आज तो हमारे फेवरेट कोफ्ते बने हैं, क्या बात है। ये ले बेटा, कोफ्तों का तो अपना ही मजा होता है। क्या हुआ बाबा? ओके, क्या हुआ बाबा? पानी दे। पानी। बाबा क्या हुआ? क्या हुआ? किसने बनाया ये खाना? जहर, इतनी मिर्चें। सुरैया, ये क्या बनाया तुमने? तुम इतने दिन से हमारे यहाँ काम कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि हम लोग कैसा खाना खाते? उठाओ ये ले जाओ और ये अपने घर वालों को खिलाना, ताकि पता चले कि कैसा बनाया तुमने। नौकरों को संभाल नहीं सकती, उनको समझा नहीं सकती कि किस तरह का खाना बनाना चाहिए। मुझे तो यकीन नहीं आता सुरैया, ये हरकत कैसे कर सकती है। अच्छा, मैं सबके लिए खाना ऑर्डर कर देता हूँ। मैं पिज्जा खाऊंगी। मामा आप क्या खाएंगे? हमारे लिए कुछ मत करो, हम ये खा लेंगे। पानी दे।
मैम मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको ज्यादा भूख तो नहीं लगी? ये हशर करते हैं घर के मुलाजिम घर का, इतने पैसे लगते हैं कोफ्ते बनाने में, सारी हांडी का सत्यानाश मार दिया। मामा को भी मेरा किचन में जाना पसंद नहीं, जैसे मैं अछूत हूँ। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, एक्चुअली आप नई नवेली दुल्हन हैं इसलिए मामा नहीं चाहती कि आप अभी से ही किचन के कामों में लग जाएं, और मैं भी ये चाहता हूँ कि तुम बस हमेशा ऐसे ही सच समझ के मेरे सामने रहो। आपने मुझे घर के काम करने से मना किया, मुझे लगता है ये बात भी मामा को बुरी लग गई, इसीलिए उन्होंने घर के कागजात मेरे नाम पे होने से मना कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद मुख्तार हो जाएं। बाबा ने सारे अख्तियार मुझे दिए हुए हैं, वो तो बस अकाउंट्स चेक करते हैं, बट तुम प्लीज परेशान ना हो, मैं मौका देकर बाबा से इस मामले में बात करूंगा। नहीं नहीं रहने दें, पता नहीं बाबा मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बाबा तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं और अच्छा ही सोचेंगे। तुम इतनी छोटी छोटी बातों पर परेशान क्यों हो जाती हो? मैंने कहा ना तुम्हें कोई जरूरत नहीं घर का कोई भी काम करने की, बस यूं ही मेरे सामने रहा करो। ठीक है, घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी, लेकिन आपकी खिदमत करना तो मेरा फर्ज है ना। खाना के ऑर्डर आने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो मैं आपके लिए जूस ले आती हूँ, सुबह से बाहर थे, भूख लगी होगी। ठीक है ना, जाओ ना। जूस। Yes? बाबा वो मैं वलीद के लिए जूस बना रही थी तो सोचा आपको भी। अरे थैंक यू मेरा बच्चा, बहुत शुक्रिया, बैठो। आपसे एक बात करनी थी बेटा। जी। आप यहाँ पे खुश तो हो ना? मैं बहुत खुश हूँ, मुझे आप और मामा जैसे माँ बाप मिले, इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए। मुझे भी आपसे एक बात करनी थी। जी जी बेटा कहो। वो घर मेरे नाम करने वाली बात मेरी नहीं वलीद की अपनी ख्वाहिश थी, मैंने तो वलीद से कभी एक रुपए की भी फरमाइश नहीं की। मेरे लिए सबसे कीमती चीज आप लोगों का खुलूस है, मुझे जो भी इस घर में मिला है मेरी हैसियत से बहुत बढ़कर है, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, वरना ऐसी शादी को कौन कबूल करता है। देखो बेटा, अब आप हमारे घर की इज्जत हो और हम आपको बहू नहीं अपनी बेटी समझते। आप लोगों ने मुझे मेरी हैसियत से ज्यादा इज्जत दी है, वरना मैं तो गरीब माँ की बेटी हूँ जिसने तरसते हुए भूखा प्यासा रह के हमारी परवरिश की, लेकिन कभी अपनी खुददारी और इज्जत पर हर्फ नहीं आने दिया। बेशक मैं जानता हूँ बेटा, जानता हूँ। बाबा आपसे एक गुजारिश है, मुझे कभी गलत मत समझिएगा, इस घर की इज्जत मेरी इज्जत है और मैं इस घर की इज्जत पर कभी हर्फ नहीं आने दूंगी। ये बात क्या कहना बेटा, आपने हमारा दिल बहुत बड़ा कर दी, जीती रहे, खुश रहे, आबाद रहे। जाओ भाई देखो वलीद कहीं बोर ना हो जाए बैठे बैठे। जाओ। जीती रहे। अम्मी क्या सोच रही है? हशमत देखिए अम्मी, अब तो मेरी जॉब भी हो गई और कोई परेशानी भी नहीं है, आपने अभी तक अपने आप को सलाई और केटरिंग के कामों में उलझाया हो, अब आप प्लीज ये सब छोड़ दें और आराम करें। छोड़ना तो मैं भी चाहती हूँ बेटा, कोई छोड़ने ही नहीं देता। नहीं नहीं अब आपको ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अच्छा तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो छोड़ दूंगी अम्मी प्लीज। अच्छा ठीक है ना, अब जो पहले से काम आया होगा उसे तो पूरा कर लेने दो, फिर छोड़ दूंगी। सच पूछो ना, अब तो मेरा भी दिल नहीं करता घर से बाहर जाने को, पता है
आज मिसेस कदीर के घर में सायरा की सास मिली। हम दोनों एक दूसरे से अजनबी बनकर मिले, वो बेगम साहिबा बनकर मिली, और मैं, मेरी क्या हैसियत? अम्मी, अब आप ना किसी के घर नहीं जाएंगे, और आप किसी से कमतर नहीं हैं। एक बार मेरी तरक्की हो गई ना तो आप भी एक अफसर की माँ कहलाएंगी, और मैं फखर से आपका तारुफ अपने हल्के अहबाब में करवाया करूंगा। मगर साहिरा के ससुराल की नजर में तो मैं हकीर हूँ, पर हमेशा हकीर ही रहूंगी। कोई जरूरत नहीं है हमें उनसे मिलने की, और ना ही मैं उन लोगों को अपनी शादी पे इनवाइट कर रहा हूँ। आप परेशान मत हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, ठीक है अम्मी? अच्छा बेटा, खैर से जाओ, अल्लाह की अमानत। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।